फीसा खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्रेडिबल इंडिया और मैं आई हूँ आज खूनी नदी। तो इस जगह को खूनी नदी के नाम से जाना जाता है। कहते हैं ये एक बहुत डरावनी जगह है, यहाँ पे बहुत लोगों की लाशें मिली हैं और यहाँ पे वीडियोस वगैरह बनाने के लिए भी मना करते हैं। बट मैं आई हूँ इस जगह को आपको दिखाने के लिए। तो पहले मैं आपको ये जो नदी है ये दिखा लेती हूँ और फिर उसके बाद हम बहुत सारी बातें करेंगे कि इस नदी के बारे में और क्या क्या बातें हैं, कैसी है नदी यहाँ पे और क्या हुआ था क्या नहीं। गाइज़ आप देख सकते हैं कितना सुनसान सा ये रास्ता है। यहाँ पे बहुत कम ट्रैफिक वगैरह चलता है क्योंकि यहाँ पे ना बोलते हैं कि लूट वगैरह भी काफ़ी हो जाती है और ये दिन के टाइम ही इतना ज़्यादा हॉन्टेड जगह है ये, तो रात में ये कैसी लगती होगी कितनी ज़्यादा हॉन्टेड है। और गाइज़ मुझे तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव सी जो पावर्स हैं वो अजीब सी लग रही है यहाँ पर। चलिए, और ये नदी ना काफ़ी आगे तक भी बहुत दूर तक है ये नदी, तो मैं आपको वो आगे का भी नज़ारा जो कि दिखाऊंगी। और यहाँ पे किसी ने ये धुआं कर रखा है, ओह माय गॉड। है भैया, इसे खूनी नदी क्यों कहते हैं? खूनी नदी क्यों कहते हैं इसे? बलि लेती है। तो यहाँ पे मतलब मैंने सुना है कि काफी लोगों की मौतें हो चुकी हैं, ऐसा रियल है? मौत वगैरह हो चुकी है? गाइस ये डे में ही इतनी ज्यादा हॉन्टेड लग रही है ये जगह, तो नाइट में ये कैसी होगी? नाइट में तो ये और ज्यादा हॉन्टेड जगह लगती होगी ना। गाइज बात कर लेते हैं कि ये जो नदी है वो कैसी है। तो सब बोलते हैं कि इस नदी, ये जो नदी है ये ना बलि लेती है और बहुत ज़्यादा हॉन्टेड है और नाइट में तो आप यहाँ पे आ नहीं सकते। तो गाइज़ अभी मैंने ये डे व्लॉग बनाया है कि दिन में ये नदी कैसी लगती है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका नाइट व्लॉग भी बनाऊँ तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मुझे यहाँ का नाइट व्लॉग बनाना चाहिए या आप देखना चाहते हैं मैं नाइट व्लॉग यहाँ पर बनाऊँ और ये नदी जो है ये वाकई में रियलिटी में हॉन्टेड है या नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो मैं यहाँ का नाइट व्लॉग भी बनाऊंगी, लेकिन उसके लिए आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना ज़रूर होगा। और मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और यहाँ की नदी के बारे में और भी आपको अगर जो भी सर्च पता चलता है तो वो भी आप मुझे बताइएगा। और देख रहे हैं आप कितना सुनसान सा रास्ता है बिल्कुल, और यहाँ पर बहुत कम मतलब दिन में ही इतने कम ज़्यादा ट्रैफिक चलता है, तो नाइट में क्या चलेगा यहाँ पे ट्रैफिक। तो नाइट में तो बहुत ज़्यादा हॉन्टेड लगेगी ये नदी, और बहुत बड़ी नदी है ये। तो गाइस आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कैसी नहीं ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कमेंट करके, और साथ के साथ ये भी बताना है क्या मुझे यहाँ का हॉन्टेड ब्लॉग बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं यहाँ का हॉन्टेड ब्लॉग बनाऊँ तो मैं इंशाल्लाह यहाँ का हॉन्टेड ब्लॉग भी बनाऊंगी, लेकिन उसके लिए आपको मुझे कमेंट करना होगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा कि मुझे नाइट ब्लॉग्स बनाना है या नहीं बनाना है। आप यहाँ पे देखना चाहते हैं कि नाइट में ये नदी कैसी लगती है, और ये नदी ज़्यादातर
बोलते हैं कि बलि लेती है और यहाँ पे एक चुड़ैल रहती है, वॉट एवर जो भी है यहाँ का, जो भी नाइट में ख़ास करके ज़्यादातर कहते हैं कि नाइट में जो यहाँ की जो पावर्स ना बहुत ज़्यादा खींचती है, जो नेगेटिव पावर्स अपनी तरफ खींचती हैं, तो क्या ऐसा रियलिटी में है या नहीं है तो आपको मुझे बताना पड़ेगा। लेकिन जब तक आप लोगों के कमेंट नहीं आएंगे तब तक मैं यहाँ का नाइट ब्लॉग नहीं बनाऊँगी, लेकिन आपको मुझे ये कमेंट करके बताना होगा कि मुझे नाइट ब्लॉग्स बनाना नहीं बनाना। बाकी मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर यहाँ पर आ ही गए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।